श्वेत और मैं लाइव आएंगे और हम क्लियर करेंगे। श्वेत से किसी ने कुछ पूछा नहीं और इस बात पर, श्वेत से ऐसे भी कुछ पूछा नहीं जाता। जय महाकाल भाई। एनफ लोग आ गए। हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बातें क्लियर करूँ। ब्रेकअप इंसान का ना पर्सनल डिसीजन होता है, ठीक है। अगर और भी एक मिनट लेता हूँ, आज भी लाइव में बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि श्वेत गलत है, तुम लोगों ने अपनी फाइट में मुझे ट्रैक किया। तो पहली चीज, फाइट कभी मेरे से थी नहीं। लक्ष्य अनेका के लिए कुछ डांट रहा था जो मुझे बुरा लग रहा था, अनेका को भी बुरा लग रहा था। जब उससे बुरा लगा तो मैं बोला, ठीक है, और मैंने से बोला कि भाई खुद को ग्रीन टैग मत कर। और मैं पहले बता दूँ, लक्ष्य और दिग्विजय से मेरा सब कुछ नहीं है, सॉर्टेड है सब कुछ। थोड़ा बहुत जो है, दिग्विजय से तो कुछ भी नहीं है, हम नॉर्मल कुछ पे। फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ क्या करता हूँ, एक लक्ष्य ने आके लाइफ में बोला कि हमारी नॉर्मली बात होती है, ओके वाओ सॉरी, बट गाइस आई हैव अ प्रॉब्लम अगर मेरी गर्लफ्रेंड अपने एक्स से बात करे, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद बोला जिस लड़की की प्रोफाइल मैंने शेयर की थी वो आपकी दोस्त है और अपने दोस्तों की सह नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब, और फिर आज लाइव में बोला गया कि लक्ष्य झूठ बोल रहा था। तो आपके वो जो दोस्त है, वो लक्ष्य की काफी अच्छी दोस्त है, जो भी आपने मुझे बताया है वो है, तो वो लक्ष्य को रोक नहीं सकती है। वो लक्ष्य झूठ बोलता है, मतलब तुम्हारी बहुत अच्छे दोस्त का बड़ा क्लोज है, फिर भी झूठ बोलता है तुम्हारे बारे में, तो उससे बात करती है। एंड आई गेस जस्ट लेट इट बी, वो तो बात चलो छोड़ ही दो। फिर तो लोग टैग कर रहे हैं कि उसने लाइव में बोल दिया था कि लक्ष्य ने झूठ बोला है। तो गाइस मैं बताता हूँ, दिस ऑल हैपेंड बिकॉज एक कॉल अरेंज कराई गई थी बाय अनेका। अनेका ने बोला लक्ष्य से, लक्ष्य का सॉरी एक मिनट, सो दीपांशु अनेका का भाई जो लक्ष्य का दोस्त है, ठीक है, इनकी बात हुई। मुझे कॉल आया कि तूने जो अपने ब्रॉडकास्ट में डाला है वो डिलीट कर, और ये दूसरी या तीसरी बार हो रहा था, सॉरी चौथी बार हो रहा था, जब मैं किसी के लिए कुछ स्टैंड लेता था बोलता था और मुझे से वो डिलीट करवा दिया था और मैं ऑडियंस के आगे झूठे नजर आता था। चलो ठीक है, वो भी किया और ऑब्वियसली अलावा मैंने कर दिया, चलो जो बोल रही है कर देता, ऐसी की तैसी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन जब वो कॉल भी, सो लक्ष्य टोल्ड मी कि भाई हम तो मिलते हैं, हमारी बात सॉरी, हम तेरे को बताया होगा निकलने कि हम मिले हैं, हमारी बात हुई है, ये वो बताना नहीं पाया। दीपांशु सुन रहा है उसी पे कॉन्फ्रेंस में, दीपांशु ने कुछ नहीं बोला, तो मतलब मिले थे या नहीं मिले थे, हुई थी बात या नहीं हुई थी, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आप नहीं मिलते, मुझे जो बताया गया। और बंदा इतने कॉन्फिडेंस सामने से बोल रहा है और आप भी नहीं कर रहे हो, मतलब अगर नहीं टोक रहे हो उसे तो मैं क्या बोल रहा है इसमें, आप झूठ है तो बोलो, है ना। फिर उसने बोला मेरे को कि तू कौन होता है मेरे और अनेका के बीच में बोलने वाला, मैं कौन होता हूँ लक्ष्य और अनेका के बीच में बोलना, इस पर भी कुछ नहीं बोला गया, अनेका ने इस पर भी कुछ नहीं बोला, ये सब कॉल पे हुआ। ऑनेस्टली मुझे गाइस बता दो कि अगर आप मिल गए तो मुझे प्लीज़ बता दो कि मैं क्या, मैं इतनी ह्यूमिलेशन सहने के लिए रेडी हूँ, सॉरी वेल डू आई डिजर्व दिस मच। पूरे शो में शी ऑलवेज टोल्ड मी कि यू वॉन्ट से एनीथिंग अगेंस्ट लक्ष्य, यू वॉन्ट टॉक टू लक्ष्य। अगर मैं पूरे शो में इज्जत रख के आया, अनलॉक्ड है वो, लाइव देख सकती है, अगर उसे ज्वाइन करना हो कर भी सकती है, मैं शो के बाहर भी रखता हूँ, बट ठीक है यार, मैं कैसे, मैं बर्दाश्त कैसे कर दूँगी, मुझे बताओ। फिर आप लाइव में कह रहे हो उसने सब झूठ बोला, लाइव में क्यों बोल रहे हो, आपका तो भाई उसका दोस्त है ना, कॉल करो उसे, बोलो वो आके लाइव में आके क्लियर करेगा कि नहीं नहीं बोला भाई उसने कुछ भी, दोस्त है ना, अगर आप उसे इतना बचा रहे हो, आपकी दोस्त है उसकी बहुत अच्छी दोस्त, वो क्यों नहीं कर रही है ऐसा कुछ।
अनबॉक्स हम इसलिए किया है कि भाई अगर मन करे कुछ क्लियर करने का तो लाइफ में आ जाए, वरना मत आए, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ अपना पार्ट कर रहा हूँ और मैं आज खत्म कर रहा हूँ। लिटरली मेरा सर फटा जा रहा है, मैं इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता यारी पास। मैंने वो लक्ष्य वाली लाइफ देखी नहीं है, सिर्फ मेरे को जो छोटे छोटे आया उससे मुझे इतना समझ आया। इमेजिन कैसे बोलते हैं सिनेरियो लाते हैं, जिस दिन मैंने वो आईडी शेयर की थी, आई वॉज ऑन अ फ्लाइट, ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट की फ्लाइट थी। अनिका को पता थी ये बात, लक्ष्य ने बोला था कि आधे घंटे बाद लाइव आएगा। देन टू उससे वेट नहीं हुआ, शी कॉल मी इन पर्सन, उससे वेट नहीं हुआ 3 घंटे की, मैं लैंड कर जाऊँगा तब बोल लेंगे, तब लाइव चली जाएगी, क्लियर कर लेगी मैं सर। बट नहीं, शी चूज्ड कि वो लाइव जाएगी और बोलेगी कि श्वेत गलत है। और उसके बाद बाकी उस लाइव में हमने सुना, क्योंकि उन्होंने बहुत ईजिली बोल दिया कि अनिका भी मेरी साइड है, और अनिका कहती है कि मैं मैनिपुलेटर हूँ, अनिका कहती है ब्ला 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 ब्ला, क्या करूँ मैं बताओ। रूम नहीं आते यार, सॉरी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब पैचअप नहीं हो सकता, सॉरी गाइस, जितने लोग कह रहे हैं पैचअप, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस सस्पेक्ट इज नॉट पॉसिबल, सो सॉरी, ठीक है। जहाँ तक मेरे को आज ही मेरी बात हुई, मुझे पता क्या बोला गया, मैं बताता हूँ कि जा लाइव पे सारी चैटर दिखा दे, ये कर ले वो कर दे, यही कहता था तू नायरा के साथ भी। एंड लाइक डू यू इवन नो कि मतलब यार क्या कहता गाइस नायरा के साथ, मुझे बताओ यार, रोटीज के टाइम मैंने नायरा के लिए कुछ बोला, मैं गया था लाइव एक बार भी कि नायरा के खिलाफ कुछ बोलूँ, मुझे कोई एक बंदा बताया, आपको ये नहीं पता है कि बंदा कहाँ से आ रहा है। आप ये बोलते हो बड़े आसानी से कि यार तू ऐसा ही है, तू ऐसा ही करता है, तू हमेशा ऐसे ही करता है। लाइक कभी बोला किसी को कितना अच्छा हूँ, ठीक है, मैंने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया, नहीं बोला, मैंने नहीं सुना, चलो अभी नहीं हो सकता भाई, यू गाइस डजंट अंडरस्टैंड। और मैं कहता हूँ अभी मेरे को हेट देना भाई, मैंने प्रिंस भाई को, प्रिंस भाई इज द फर्स्ट पर्सन जिससे मैं बात करता हूँ, मैंने भाई को बताया और भाई ने मुझे लिटरली गाली दी, क्योंकि भाई नोज भी उनसे प्रॉमिस करके गया था कि भाई मैं आपको प्राउड फील कराऊंगा, मैं शो में फाड़ दूँ, और यहाँ शो में मैं चुप खड़ा हूँ आधे टाइम, जस्ट बिकॉज आई नो कि मैं नहीं बोल सकता उस एक लड़के को, और उस एक लड़के को मतलब हर जगह ऑफिस में आता है। देन टू मैंने शो में बहुत कट कर दिया गाइस, जस्ट आज इन दिस सिचुएशन भी मुझे बोला जाता है कि जाओ आप नहाने जाओ, आई एम नॉट सेइंग शी इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑफ ऑल सुन लेना पूरी लाइन, आप नहाने जाओ, ठीक है। देन मैं गलती से मैं बाहर आ जाता हूँ, मेरे को दिखता है कि अपने एक्स से बात कर दिया, मेरे दिमाग में क्या चलेगा, बस मुझे बता दो उस समय की, मुझे बस बात बता दो मेरे दिमाग में क्या चलेगा। फिर मुझे बोला गया कि मैं इनसे क्यों यार, एटलीस्ट इतनी इज्जत रख लो कि कितना टाइम लग जाएगा मुझे नहाने में, आधा घंटा ना आपको बात करनी, आधे घंटे बाद चले जाओगे आप, क्या होता ना। फिर भी श्वेत गलत, श्वेत गलत है क्योंकि श्वेत को पसंद नहीं है कि उसकी गलत उसके एक्स से बात करें, बात करना तो अलग होता है, हेलो है, यहाँ तो अपने एक्स से मेरी बुराई है कि गई है कि मैनिपुलेटर, वाह यार वाह, मैनिपुलेटर है मैं कितना खराब करता हूँ। अच्छा हाँ, मेरी लड़ाई हो जाएगी तो अनिका बता देगी मेरे बारे में मैं कितना बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज़ ऐसा बोला उनके बहुत ही करीबी मित्र ने जो है ना, सारी पोल खोल देगी मेरी भाई, खोलना प्लीज़ यार, आई वॉन्ट टू नो मेरी क्या बोले, मुझे मेरी सारी पोलें खोलना प्लीज़ यार गाइस, सारी पोलें खोलना ए टू जेड सारी जो आपका मन करो, ठीक है। प्रॉब्लम पता सारी कहाँ कहाँ आती है कि लड़के तो सब सोचते हैं आराम, सब सोचते हैं आराम, मैं तो कह रहा हूँ अगर वो आ सकते हैं तो भाई आ जाओ लाइव, आ जाओ कर दो उसे इनवाइट, बोलो कि हाँ करे क्लियर, कर सकते क्लियर करना था ना, एक लाइव सुनी मैंने उसमें रिश्ते कहा कि हम साथ लाइव आएंगे, करो क्लियर यार, आज क्लियर ही करना है बात, ये लड़का हूँ मैं मेरे को लिबर्टी देनी चाहिए कि भैया अपने एक से बात कर लूँ, नहीं होता ऐसा भाई, बुरा सबको लगता है, ठीक है, अगर जनरल फीलिंग्स नहीं होती मैं कहता जो मर्जी करूँ,
करके फर्क नहीं पड़ता। आप आगे शो देखना, आपको समझ आएगा कि कौन ज़्यादा इन्वेस्टेड है, कौन हद क्रॉस कर रहा है, जिसकी कोई हद नहीं है कि भाई मैं। और फनी बात होती क्या, बोला जाता है कि हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। मेरी मेंटल हेल्थ है ही नहीं, मेरी मेंटल हेल्थ का क्या सीन है? मेरे को नहीं दिया भगवान ने, मेरे को नहीं सर दर्द होता होगा, मेरे को नहीं समझ आता होगा, बता दो कोई। मेरे को नहीं, मतलब शायद मेरे को दिया ही नहीं भगवान ने दिमाग, मेरे को स्ट्रेस ही नहीं होता होगा, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा। मुझे लिखा जाता है हेट में कि शिवेत तो चाहता ही ब्रेकअप करना था, शिवेत तो है ही ऐसा, शिवेत ने नायरा के साथ भी ऐसा किया था। मुझे बताओ गाइस, कितना ईजी था मेरे लिए, मैं आराम से कंटिन्यू करता पूरे शो तक आगे भी, और लोगों को लगता कि कितना अच्छा लड़का है। मतलब फॉर मी जिस स्किल इमेज इतनी ख़राब की गई है पहले, वो ऐसी हरकत करेगा? खुद बताना, जनरली खुद अपना दिमाग जाना, नहीं ना, मतलब मेरे को तो नहीं लगता मैं करूँगा। हर्ट हुआ इसलिए किया, और ब्रेकअप भी बड़ा शांति से ख़त्म कर दिया था मैंने। मैंने सिर्फ लाइव में लिखा था वी आर ओवर, मैं कोई लाइव आके कुछ नहीं बोलने वाला था, बट तो खुद ही लाइव आ गए। हाँ जॉनी भाई, देहरादून तो मेरा माथा खराब होता है, मैं देहरादून आ रहा था। मुझे नहीं बताओ कि अगर मैं अकेला रहूँगा तो मैं क्या कर दूँगा। मतलब आपने अपॉर्चुनिटी दी थी, आप जब बोल रहे हो व्हाट हैपेंड टू योर वॉइस, नथिंग है, मेरे शरीर की बैंड वजी वॉइस का क्या है, वर्कआउट करने का नहीं करता कुछ। आई एम जस्ट सेइंग कि, और हाँ लोग जितना कह रहे ना कि दिग्विजय लक्ष्य ने आपका ब्रेकअप करवा दिया, गाइज बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, दो लोगों के बीच में तीसरा का भी ब्रेकअप नहीं कराता, किसी एक की गलती होती है उन दोनों में से। उस तीसरे को अंदर लाना भी किसी एक की गलती होती है, उस तीसरे को इस पावर में डालना भी वो किसी एक की गलती होती है, ठीक है। आपने अपने दोस्त को प्रायोरिटी दी, आपने बोला कि मैं नहीं चाहती, वो हेट का है, वो बाहर की है, तो उसी दोस्त को बोलते हैं कि लक्ष्य झूठ जो बोल रहा है वो ना बोले। अगर आपने जो बोला कि वो झूठ है, कि आपकी उससे बात नहीं होती, तो उसी दोस्त को बोल देती यार, मेरे को पता है कि वो मान जाता उसकी बात। एंड अभी भी मैं कान पकड़ के सॉरी बोल दूंगा लाइव में, अगर बहुत अच्छा दोस्त है ना आपका लक्ष्य, आप उसकी हर बात पर साइड लेते थे, तो अगर आप उसको बोलो, वो बोल दे कि मैंने ये सब झूठ बोला था जो काम भाई, प्लीज। शी स्टिल हैव पोस्ट बोथ दोस्त, 12 पोस्ट थे मेरे टोटल उसके साथ जो मैंने हटा दिए, डिलीट कर दिए, 12 पोस्ट से कुछ नहीं होता गाइस, नीचे मुझे एक भी पोस्ट नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट इज्जत तो कर लो मेरी, मेरी इज्जत रख लो दुनिया के आगे। कोई और मुझे तुम्हारे सामने सुना रहा है और तुम कुछ नहीं बोल रही हो, फिर बाद में बोल रहे हो लाइव में आके कि वो तो झूठ बोल रहा है। लाइव में क्यों बोल रहे हो यार, उसे बुलाओ ना, उसके मुंह से झूठ बोलो, तुम्हारे मुंह से क्या होता है, तुम तो उसे डिफेंड करती हो, सब जानते हैं हमारे घरों से, है ना, फिर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या सीन है? मैं तो बुला रहा हूँ, आ जाओ, कर सकती है क्लियर तो भाई कर ले, पैचअप नहीं हो सकता, बट ये बात क्लियर करवा लो, पर मेरे से नहीं होगी भाई, उसे बोलो लक्ष्य के साथ लाइव जाए, ये बातें क्लियर करें कि ये सब बोला गया था कि नहीं उसे, कि मैं मैनिपुलेटिव हूँ, मैं और क्या क्या हूँ, बहुत ख़राब इंसान हूँ, जो भी हूँ भाई, जो भी मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में डाला है आप लोग पढ़ लेना, ब्रॉडकास्ट में एक रील डाली है पढ़ लेना, मतलब बेवकूफ़ लिखाइए मेरी बातें पर। देव नहीं हो सकता, अगर तुझे भी ऐसा लग रहा है कि वापस नहीं हो सकता भाई, हर चीज़ बर्दाश्त है, मतलब दुनिया पूरा बोल रही ठीक है, तुम्हारा खुद का पार्टनर तुम्हें पूरा बोल रहा है, जैसे आप डिपेंड कर रहे हो, जिसके लिए आप लड़ रहे हो, मतलब कैसे, मुझे ऑनेस्टली बताना आप, मुझे ज़रूरत है अपने आप को डिफेंड करने की, कहीं भी जितनी बड़ी मेरे पे ऑडियंस है, जब तुम लोग जितने हो, मेरे को पता है अभी तक मैं आपको सच बोल देता हूँ, जिसकी मर्जी कसम की मेरे काम की कसम, मेरे को हेट नहीं आई थी, तुम लोगों को लगता होगा हेट आ रही, कमेंट्स में पढ़ता नहीं हूँ, मेंशन ज़रूर देखता हूँ, पर मेंशन में अगर 100 मेंशन है तो 5 में हेट होगी या 4 में हेट होगी, बाकी 96-95 इतने अच्छे होते हैं कि वो 4 के हेट में मैटर भी नहीं करता। पता है सबसे ज़्यादा बुरा उसका लगता है जिसके लिए आप इतना ज़्यादा फील करते हो और वो आपको ये सब बोलते हैं। ऑनेस्टली आई फेल्ट शिट जब ये बोला गया कि नायरा के साथ भी ऐसा किया था, आई एम लाइक यू जस्ट प्रूव्ड इट कि तू इन सब बातों पर विश्वास करती थी।
क्या किया था गाइस, मुझे प्लीज जानना है मैंने नायला के साथ क्या किया था। क्या ये गलत था कि मैंने तुमसे हेट कमेंट्स आ रहे थे, जब उसे थ्रेट्स आ रहे थे, मैं खुद लाइव आया, सो गया था गाइस, लिटरली सो गया था 2 बजे तक, रात को मैं लाइव आया। पूछ लेना उसके हेट कमेंट्स हो गए कि नहीं, रुको, जितने लोग हैं जितने मेरे को भाई मानते हैं उन्होंने मेरी इज्जत करते हैं, ठीक है, हाथ जोड़ के बोला था सर कि मत करो भाई। कैसे हो, मेरे को नहीं पता कितने पत्थर के हो, तो मुझे पता है आपको बुरा लगता है, तो आप जब मेरे को बोलते थे कि ये क्या कर रहा है वो, तो खुद सोचो ना मैं क्या करूँगा उस समय, अगर मेरे को ये बोला जाएगा कि मेरी को मेरी गर्लफ्रेंड बोलेगी कि ब्रो ये जो भी हो रहा है मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को इतनी हेट आ रही है, वो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे यू एक्सपेक्ट मी दैट लाइक दैट, फिर मैं कुछ कर दूँ तो डिलीट कर दो, डिलीट करवा दो, दुनिया क्या देखी उस समय, मैं क्या कोई ऐरा कह रहा हूँ, मेरे को लोग नहीं जानते इंस्टा पे हैं, अपने इंस्टाग्राम तो आप बड़े जल्दी बोलते हो कि यार इंस्टा इज वर्क, इंस्टा पे पर्सनल चीज़ें नहीं लानी चाहिए, तो फिर मैं डिलीट करवाऊँ ना, जब मैंने एक बार कर दिया है कॉन्ट्रोवर्सी, या मैंने किसी के लिए कुछ बोल दिया है। पिछली बार मेरी लक्ष्य से बात हुई थी तब मैं कुछ बोल रहा था भाई, वो सब डिलीट हुआ, और इसलिए डिलीट हुआ क्योंकि मुझे बोला गया कि लक्ष्य का कॉल आया कि ये सब डिलीट कर दो, मेरे को नहीं करनी कॉन्ट्रोवर्सी। ऑनेस्टली अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना भाई बता देना, मैंने कहा लाइव आके कि भैया सब झूठ है क्या है तो उसका, क्योंकि मुझे तो आपने ही बोला क्या कॉल आ रहा है, ये हो रहा है, हटा दे, अच्छा नहीं लगता, हटा दे उसका नाम, ठीक है ना, फिर हटा दिया। अगले सेकंड में उसकी स्टोरी डल गई कि हाँ भाई कोई तो सॉरी बुलवाने वाला था, अबे और तो बुलवाएगा, मैं दुनिया के लिए छूटे देखा भाई। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म कर दो, चलो कर दो, मैं कहता हूँ बंद कमरे के अंदर जितनी बुरी लड़ाई हो, अगर वो मेरे को पर्सनली कॉल करके बोलती ना कि तू गलत है, मैं खुद लाइव जाता हूँ, मैं सॉरी बोल देता कि हाँ मैं गलत हूँ, मतलब प्रॉब्लम है उसने मेरे से बिना पूछे लाइव कर दी और वहाँ बोल दिया कि भाई मैं गलत हूँ, और जस्ट सेकंड बार लड़का बोल रहा है कि यार वो मुझे बोलती है कि वो मैनिपुलेटिव है, वो है हमारी बात होती है। मुझे बता दो जितने लोग यहाँ देख रहे हैं कितना अच्छा लगेगा आपको अगर आप इससे प्यार करते हो और वो अपने एक्स से इसे बोलती है आपके बारे में, एक्स से दोस्तों दोस्तों को छोड़ो, एक्स से बोलती है। गाइज जो मैच्योरिटी मैच्योरिटी कर रहा ना, पूछूंगा जब आप रिलेशनशिप में होंगे, जब आपको किसी से प्यार होगा मैच्योरिटी कहाँ जाएगी आपकी, 2 मिनट में उड़ जाती है मैच्योरिटी जब आपके लिए सब बोला जाता है भाई, लगता है बुरा, सॉरी पूरी दुनिया गलत सीखते हैं, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ेगा, पर वो एक लड़की मुझे कुछ गलत बोलते हैं या मेरे लिए क्या बोलूँ, खुद समझो यार नहीं आता दिमाग, मैं ऑनेस्टली जैसे नहीं पता, सैटरडे को मैं नहीं सोया था क्योंकि आई वॉज डूइंग एन इवेंट, पूरे टाइम ट्रैवल कर रहा था संडे को, संडे को भी मैंने इवेंट किया, ये मंडे की बात है, मैं सोया तक नहीं था, बहुत अच्छे से निका को ये बात बता दी, मैंने खाना ढंग से नहीं खा रखा था, फिर भी मैंने उसे बोला कि ब्रो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं तेरा ही साइड लिया, ठीक है। उसके बाद सोचो मैं किस लेवल पर इरिटेटेड था, जब एक लड़का मुझे कॉल पर बोल रहा था तू है कौन अनिका और मेरे बीच में आने वाला, और अनिका ने वहाँ कुछ नहीं बोला, अनिका को पता है ये बोल दिया गया, और फिर मैंने जब पूछा है तो कहते हैं कि मैंने तो कॉल सुनी नहीं थी, यार आपका भाई कॉल पे था, नहीं सुनी थी आपने, आपके भाई ने आपको बताया भी नहीं, पता नहीं यार क्या सीन।
करो गाइस, मुझे लगता है वो आएगी, चाहे उसे क्लियर करना होता। मेरी तरफ से लास्ट लाइफ थी, मैंने अपना बता दिया, मुझे नहीं लगता मैं इसके आगे कुछ भी उसके लिए बोलने वाला। आई एम नॉट सेइंग शी इज अ बैड पर्सन, बट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, मैं पर्सनली बिलीव नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता कि आप अपने एक्स से बात करो। मैं शो में बोलता, शो जिस दिन खत्म होता मेरी फीलिंग मेरे लिए, मैंने उसे बोलता था मुझे बाहर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो कुछ भी करता रहे, अगर आपकी तरफ से कुछ करना चाहिए उससे, सॉरी अगर आप कर रहे हो, आपको वो सही लगता है, आप उधर ही उनसे ही बात करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे से बात करो, फिर को छोड़ दें प्लीज, बिलीव मी, एन्जॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, तो मेरे छोड़ दिया प्लीज, ठीक है। लाइफ भेज देना उन्हें गाइस, जो भी वो करना चाहे इसके बाद कर लें। एक बार ना एक काम करना गाइस, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे कितने 20-20 के लोग बैठे हैं, प्लीज़ गो टू माई ब्रॉडकास्ट, इफ यू नॉट इन माई ब्रॉडकास्ट, लास्ट जो मैंने रील शेयर किया वो सुनना। अगर आप लड़के हो या चल लड़की ले लो, आपके जो पार्टनर है उसका एक्स ऐसा कुछ बोले, मुझे सिर्फ बताना यार कितना कैसा फील होगा आपको, प्लीज़ यू टैग मी ऑन द स्टोरीज एंड बताना कैसा फील होगा प्लीज़, मुझे एक्चुअली बताना। और जबकि आपको बताओ कि ये बात हुई है, होती है बात, प्लीज़ मुझे बताना कैसा फील होगा, और फिर मुझे बोलना कि तू गलत है, अगर लगे कि मैं गलत हूँ मुझे बोलना तू गलत है, ठीक है। चलो आई गेस काफ़ी लेट हो गई, मुझे तो आएगी नहीं, सब तो आती है, चलो लेट्स सी, चांस की बात नहीं होती यार, आई एम सो सॉरी। मैं तब बात कर सकता हूँ जब ये सारी बातें क्लियर होगी, तब तक मैं बात नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है भाई। मैं अभी भी बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ तब इतना गुस्सा भरा है, इट इज़ नॉट ईजी, मेरे पास रिलेशनशिप बहुत ख़राब रहे हैं, वाला मैटर संभाल ही नहीं पाता मेरे को, है कल मेरे को दिक्कत है। तो गाइस आई गेस गुड नाइट।